नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, ओमान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के तरफ से एक बयान जारी करके बताया गया है कि मस्कट से यूएई के बीच में यानी संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी से जो फ्लाइटें हैं मस्कट और आबू धाबी के बीच में 16 नवंबर से फ्लाइटें ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी। प्रति सप्ताह 2 फ्लाइटों को शेड्यूल किया गया है, परमिशन मिल चुकी है। जिन व्यक्तियों को यात्रा करनी है आबू धाबी से मस्कट के बीच में 16 नवंबर से फ्रेंड्स आप यात्रा कर सकते हैं। हर हफ्ते 2 फ्लाइटें अवेलेबल रहेंगी इन दोनों डेस्टिनेशन के लिए। फ्रेंड्स, अगले अपडेट की बात करें तो बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद मोहम्मद अल सईदी ने स्विट्जरलैंड के राजदूत से अपने कार्यालय में मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के इन दोनों प्रतिनिधियों से सौहार्दपूर्ण वार्ता का आदान प्रदान हुआ। दोनों मित्र देशों के बीच में स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के ऊपर भी बहुत लंबी बातचीत हुई। स्विस राजदूत ने COVID-19 के ऊपर जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय काम कर रहा है, ओमान में जिस तरह से चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी हैं, कैसे वो हैंडल किए हैं इस महामारी को, इसकी सराहना। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ओमान में स्कूलों से संबंधित एक झूठी खबर सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। फ्रेंड्स, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। ओमान वर्सेस COVID-19 जो कि एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने एक बयान जारी करके बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सल्तनत में सभी स्कूल अभी भी खुले हैं जो कि 1 नवंबर से ओपन हुए थे। और यहाँ तक बात करें, यदि वो इंडियन स्कूल हैं तो वो लोग भी ऑनलाइन शिक्षा अभी कंटिन्यू रख रहे हैं पूरे नवंबर के महीने में। अभी तक कोई अगला न्यूज़ नहीं आया है स्कूलों के द्वारा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ओमान की डुक्कुम रिफाइनरी की। इस रिफाइनरी में फ्रेंड्स कम से कम 21,000 से ज़्यादा जो मैन पावर वर्कर हैं लगे हुए हैं। ज़्यादातर प्रवासी वर्कर इसमें काम कर रहे हैं और इसमें अभी तक ये 72% कम्प्लीट हो चुकी है। अभी भी 28% काम बाकी है। फ्रेंड्स, 21,000 से ज़्यादा वर्कर यदि दिन रात किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये रिफाइनरी कितनी बड़ी है, ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। ओमान पुलिस ने एक बयान जारी करके बताया है कि कोस्ट गार्ड पुलिस कमांड ने पेट्रोलिंग के दौरान एक तस्करी वाली नाव को 16 घुसपैठियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। फ्रेंड्स, ये लोग अवैध रूप से ओमान में घुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चौकस कोस्ट गार्ड पुलिस के नज़र से नहीं बच पाए। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ओमान से जुड़ी कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।